नमस्कार, मैं मुकेश वत्स और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे बिना जानकारी के दवा खा लेना हानिकारक होता है, उसी तरीके से बिना ग्रहों की या किसी एस्ट्रोलॉजिकल इंसिडेंट के बारे में समझे बिना उसका उपाय कर लेना और खास करके उसका दान करना, उससे संबंधित वस्तुओं का दान करना हानिकारक डेंजरस हो जाता है। अभी ग्रहण का माहौल चल रहा है, कल ही चंद्र ग्रहण हुआ है, 14 दिनों के बाद एक बड़ा सूर्य ग्रहण आने वाला है और दान उपदान के विषय में बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि ग्रहण के बाद दान करना चाहिए। यदि आप जनरल दान करते हैं जिससे कि कमजोर समुदाय के लोगों को फायदा होता है, जैसे कि अन्न दान करना या कुछ मनी डोनेट करना या फिर कपड़े डोनेट करना, ये सब चीजें ठीक है। लेकिन जब आप किसी ग्रहों के निमित्त किसी ग्रहों को टारगेट करके संकल्पित दान करते हैं बिना ये समझे हुए कि वो ग्रह आपके लिए अच्छा है या बुरा है, तब वो दान आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल, ग्रहण के समय में सबसे ज्यादा बताया जाता है कि राहु का दान कीजिए। आप देखिएगा, लोगों को बताया जाता है और खास करके एस्ट्रोलॉजिकल कम्युनिटी जो है वो बताती है, आप बहते हुए पानी में नारियल बहा दीजिए, काला तिल का दान कीजिए, जौ का दान कीजिए, कई लोग तो ये भी बता देते हैं काले भैंस का दान कीजिए। वैसे भैंस काली ही होती है। तो ये जो है ये डेंजरस हो जाता है, क्योंकि राहु कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए खराब हो। राहु से डरते हैं लोग, राहु थोड़ा रिजल्ट्स, बहुत सडन रिजल्ट्स देते हैं, ये बात सही है, लेकिन हर कोई के लिए राहु खराब होगा ये जरूरी नहीं है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम बता सकता हूं, सेलिब्रिटीज का नाम बता सकता हूं, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स, पेंटर्स, क्रिकेटर्स, वो लोग आज जहां भी पहुंचे हैं वो राहु की वजह से पहुंचे हैं। अब ऐसे लोग यदि राहु का दान करेंगे तो उनके लिए वो खराब होगा, क्योंकि ये नियम है, आपका जो स्ट्रेंथ है वो आप कभी नहीं देते किसी को, अपना स्ट्रेंथ हर कोई को बचा कर रखना चाहिए। यदि आपके घर में कोई गाय दूध दे रही है तो उस गाय का दान आप कर देंगे तो आपके घर में दूध की कमी हो जाएगी, ये सिंपल लॉजिक है, कॉमन सेंस की बात है। अब सवाल ये उठता है कि आपकी कुंडली में राहु अच्छा है या बुरा है, इसको समझें कैसे? तो इसका भी आजकल इंफॉर्मेशन नॉलेज के युग में ये बहुत आसान काम है। हर मोबाइल में दुनिया भर के ऐप्स हैं, एस्ट्रोलॉजी के लिए भी फ्री ऐप्स हैं, डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, उन पे सिर्फ अपना बर्थ डिटेल्स डालिए और महादशा, अंतरदशा, प्रतिअंतरदशा आप देखिए, एक बार एनालाइज करके अपनी कुंडली को एनालाइज कीजिए, राहु के महादशा में या राहु के अंतरदशा में या राहु के प्रतिअंतरदशा में वो जो समय है, वो जो पीरियड है, वो आपके लिए कैसा था, आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा, 10 मिनट में समझ में आ जाएगा कि राहु आपके लिए अच्छा है या बुरा है। यदि फिर भी आपको नहीं समझ में आता है, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि किसी ग्रह का उपचार करना है तो दान ही करें उसका। ग्रहों के लिए आप जाप भी कर सकते हैं, राहु केतु ट्रांजिट वाले वीडियो में मैंने बहुत स्पष्ट बताया है, आप विष्णु जी का कोई भी तरीके का पूजा करें, आपके राहु को वो कंट्रोल में रखेगा, बुरा तो कम से कम नहीं करने देगा। विष्णु सहस्त्रनाम सुने, खुद पढ़ें तो बहुत अच्छा है। विष्णु जी का सिंपल मंत्र है ओम नमः भगवतो वासुदेवाय, ग्रहण के पहले से और ग्रहण के बाद तक हमेशा कम से कम 5-7 दिन आप लगातार ओम नमः भगवतो वासुदेवाय का 5-5 माला कीजिए, 15 मिनट में हो जाएगा, तो ग्रहण का राहु का असर बुरा नहीं पड़ेगा। दुर्गा सप्तशती का पहला चैप्टर पढ़ लीजिए,
राहु कभी बदमाशी नहीं करेगा आपके साथ। और यही नियम दूसरे ग्रहों पर भी, ग्रहण पर भी लागू होता है, ग्रहण में इन्वॉल्व ग्रहों पर भी लागू होता है। ग्रहण वाले वीडियो में मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में थोड़ी सी चर्चा इसकी की थी। अब ये ग्रहण सभी के लिए खराब होगा ये आवश्यक नहीं है, बहुत लोगों को ये ग्रहण बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। और मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया था कि कुछ लोगों को कैसे ग्रहण बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है, और उसको समझने का तरीका भी मैंने बताया था। सबसे पहला तरीका यह है कि ग्रहण जिस राशि में लग रहा है वो राशि आपके कुंडली का कौन सा भाव है, अच्छा भाव है या बुरा भाव है। सबसे पहला तरीका यह है। दूसरा तरीका है कि जिस राशि में ग्रहण लग रहा है उस राशि का स्वामी आपकी कुंडली के लिए मेलेफिक है या बेनिफिक है। तीसरा तरीका है, जो भी प्लैनेट उस राशि का स्वामी है उसको बल कितना है आपकी कुंडली में, क्या अच्छे जगह पर बैठा हुआ है, क्या अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, क्या अच्छे प्लैनेट्स की दृष्टि है उस पर, क्या षडबल में उस प्लैनेट को अच्छा बल मिल रहा है। और एक और भी बहुत सिंपल तरीका है, अष्टक वर्ग में जिस राशि में ग्रहण पड़ रहा है उस राशि पर, उस भाव पर उसके स्वामी कितना पॉइंट्स दे रहे हैं। यदि चार या चार से ऊपर पॉइंट्स दे रहे हैं तो वो आपके लिए बढ़िया स्थान हुआ, चार से कम है तो बुरा है। और यदि आपको लगा कि बुरा है तब उसका दान कीजिए। अभी कल ही ग्रहण बीता है, वृषभ राशि में ग्रहण था, आप शुक्र से रिलेटेड दान कर सकते हैं। शुक्र से रिलेटेड दान, सफेद वस्तुओं का दान, सफेद वस्तु चंद्रमा और शुक्र के साथ जोड़कर देखा जाता है। लेकिन आप यदि श्योर नहीं है तो शुक्र का बीज मंत्र है उसको पढ़िए, शुक्र के लिए महालक्ष्मी की पूजा कीजिए, देवी की पूजा कीजिए। कोई आवश्यक नहीं है कि आप दान ही कीजिए। और अच्छा पोजीशन में यदि शुक्र है तो बिल्कुल दान नहीं करना चाहिए। अभी 14 तारीख 14 दिसंबर को वृश्चिक राशि में बड़ा सूर्य ग्रहण लग रहा है, 6 ग्रह इन्वॉल्व हैं उसमें, तो इसमें भी वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। आप देखिए मंगल आपकी कुंडली में कैसे हैं, षडबल में उनको कितना बल प्राप्त है, वृश्चिक राशि से काउंट करके देखिए, वृश्चिक राशि से मंगल कौन से भाव में पड़ते हैं, चौथे में है, पांचवें में है, नौवें में है, दसवें में है तो अच्छा फल देंगे, यदि छठे आठवें में है तो बुरा फल देंगे। तो पहले उसका बल समझ लीजिए, मंगल आपके प्लैनेट आपके कुंडली के लिए कैसे हैं ये समझ लीजिए, फिर मंगल से रिलेटेड दान कीजिए। मंगल से रिलेटेड दान क्या है, लाल मसूर का दाल, गुड़, लाल कपड़े। लेकिन फिर भी श्योर नहीं है तो मंगल से संबंधित पूजा कीजिए, कार्तिकेय जी की उपासना कीजिए, भगवान गणेश की उपासना कीजिए, सबसे अच्छा बजरंगबली हनुमान जी की उपासना कीजिए, सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, इन चीजों को पढ़िए। ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का है, बुध की स्थिति अपनी कुंडली में देखिए, वृश्चिक राशि से बुध कौन से पोजिशन में है ये देखिए, इन सभी चीजों को समझकर फिर दान कीजिए। और नहीं समझ में आता है तो दान बिल्कुल मत कीजिए। और भी कई सारे उपाय हैं इसके, जैसे मैंने कहा जप, पूजा। सो फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक क्लैरिफिकेशन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन लेकर मैं आया था। आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए, इसी तरीके के उपयोगी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। लाइक कर लीजिए वीडियो को, शेयर कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में, ताकि ये डर का माहौल खत्म हो, भ्रांतियां दूर हो, मिसकंसेप्शंस दूर हो। कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को अवश्य प्रकट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, सूर्य ग्रहण का वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हर हर महादेव।